हेलो अस्सलामुअलैकुम। कल मैंने आपको मौलाना जलालुद्दीन रूमी का तर्जमा करवाया था, मैंने आधा लेसन करवाया था क्योंकि ये ज़रा मुश्किल है। आज मैं अगला हाफ जो है वो अब आपको आज करवा रही हूँ। अब यहाँ से कि जिंदगी है वही वही का लफ्ज बार बार आ रहा है, इसके मानी वो और उस होता है। तो लेकिन हम एहतराम के लिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी के एहतराम के लिए वही का मैं तर्जुमा उनकी जिंदगी बा कनात कनात के साथ व गाह बा कर्ज में गुजश्त और कभी कभी कर्ज से भी गुजश्त गुजरती थी। जिंदगी है वही उनकी जिंदगी कनात के साथ और कभी कभी कर्ज से गुजरती थी। अम्मा आज इन फकरे इख्तियारी हीच गुने ना खुर्सन्दी निशान नमी रात। लेकिन वो इस खुद इख्तियार करदा फकर पर इन फकरे इख्तियारी लेकिन वो इस खुद इख्तियार करदा फकर पर उन्होंने कभी भी अदम इत्मीनान का इजहार नहीं करते थे। लेकिन वो इस खुद इख्तियार करदा फकर पर कभी भी अदम इत्मीनान का निशान नमीदाद इजहार नहीं करते थे। अम्मा लेकिन अजिन फख्र इख्तियारी लेकिन वो इस खुद इख्तियार करदा फकर पर उन्होंने कभी भी हीच गुने किसी किस्म का नाखुर्संदी अदम इत्मीनान का निशान नबी दौर इजहार न करते थे। सौदे बी तजम्मुल व आरियस रूयो रियाबूद उनकी वो सादा बी तजम्मुल शानो शौकत के बगैर व आरियस और शानो शौकत के बगैर व आरियस रू रियाबूद और रू रिया नुमाइश और नुमाइश या दिखावे से पाक थे। सादे वो सादा बी तजम्मुल बगैर शानो शौकत के व आरियस रू रियाबूद और वो दिखावे और नुमाइश से पाक थे। बाहले खाने दोस्ताने मीजीज वो अपने घर वालों के साथ दोस्ताने दोस्तों की तरह मीजीज जिंदगी गुजारते थे। बाहले खाने हुने बा के मानी साथ अहल लोग हुने घर को कहते हैं। वो अपने घर वालों के साथ दोस्ताने दोस्तों की तरह मीजीज जिंदगी गुजारते थे। लिबास व गज़ा व असबाब खुनैश सौदे बूद उन लिबास गज़ा खाना व असबाब खुनैश असबाब साजो सामान खुनैश उनके घर का साजो सामान सौदे बूद सादा था, यानी उनका लिबास खाना और घर का साजो सामान सौदे बूद सादा था। गज़ायु गालबन अज़नूनो मौस या महजरी मुहक्कर तजावुज न मी कर उनका जो खाना उनकी खुराक आम तौर पर नून रोटी मांस दही वा या महजरी मुहक्कर और वो मुहक्कर होता है हकीर या मामूली और माजरी जो खाना यानी जो कुछ हाजिर होता था वो मामूली खाना जो है उससे ज्यादा तजावुज नहीं करता था। आज जिंदगी फकत बेकदरे जरूरत तमत्तो मी बुर्द और आज जिंदगी से फकत सिर्फ बेकदर जरूरत जितना तमत्तो में बुर्द वो इस्तफादा हासिल करते थे। जिंदगी से वो सिर्फ जरूरत जितना फायदा उठाते थे। फिर सुनने गज़ा उनकी गज़ा गालबन
आम तौर पर अजमून रोटी मांस दही या माजरी मोहकर या वो मामूली सा खाना जो मौजूद होता था उससे आगे तजावुज नहीं करता था। जिंदगी से वो फकत बेकदरे जरूरत जितना ही तमत्तो में बहुत फायदा उठाते थे। उनके कर बहने दोस्तों मुरीदान निजिश्त दोस्तों बान के कमानी बावजूद दर बहने दोस्तान दोस्त और मुरीदों के दरमियान रहने के बाद इसके बावजूद कि वो दोस्तों और मुरीदों के दरमियान निजिश्त रहते थे आज उन्हा फौसलाश्त आज उन्हा उनसे फासला रखते थे वा उनके इसके बावजूद के दर बैने दोस्तान मुरीदान मिजिस्त कि वो दोस्तों और मुरीदों में रहते थे आज उन्हा फौसले दाश्त उनसे फासला रखते थे आज आमाई उन्हा जुदा बूद वो उन सबसे जुदा थे आज हमा आज के मानी से हमारे उन्हा उन सब हमा के मानी सब उन सब से जुदा वो जुदा थे। दर आखरीन बीमारी दर लहसा ये के अंदर मोए बहबूद हसी मिशु दर आखरीन बीमारी आखिरी बीमारी में दर लहसा उन लहसा तो लम्हे वो लम्हे जब वो अंदक माए बहबूद मी हासिल मिशु जब वो थोड़ा सा अंदक के मानी थोड़ा सा अंदक माए थोड़ा सा बहबूद बेहतरी हासिल मिशु पाते थे आखिरी बीमारी में दर लहसा ये उन लम्हात में के अंदक माए जब वो थोड़ा सा बहबूद हासिल मिशु बेहतरी पाते थे बा यौरान बाकी मानी से यौरान का लफ्ज बार बार आया यार दोस्त को कहते हैं यौरान दोस्तों के साथ सुखन में गुफ्त वो बात अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगु करते थे वा अनहारा दिलदारी मीदाद और उनका दिलदारी में कदर उनको उनका हौसला बढ़ाते थे बायौरान सुखन में गुफ्त वो अपने दोस्तों से बातचीत करते थे वो अनहारा दिलदारी मीदाद और उनका हौसला बढ़ाते थे कि दर रफ्तन मन मलूल न शवीद कि दर के मानी में रफ्तन जाने मेरे जाने से रफ्तन मन मन में मेरे जाने से मलूल न शवीद कि मेरे जाने पर गमगीन न होना कि दर रफ्तन मन कि मेरे जाने पर मलूल न शवीद गमगीन न होना बदिन गुने इस तरह आज हर चीज व हर कस कहते शख्स और हर शख्स के से बाशफकत बड़ी शफकत के साथ अम्मा लेकिन बदुने हसरत बदुन के मानी बगैर हसरत के बगैर जुदाशुद वो जुदा हो गए बदिन गुने इस तरह से आज हर चीज और हर शख्स से बाशफकत बड़ी शफकत के साथ अम्मा बदून हसरत लेकिन बगैर हसरत के जुदा शुद जुदा हो गए। जिंदगी शस्तो हश सोले सरासर यक्षेर बूद शगुफ्तावर तरीन पुरशूर तरीन तेरा आवीज तरीन शेर है जिंदगी शस्तो हश सोले 68 उनकी 68 साल जिंदगी सरासर एक सरासर यक शेर दूध एक शेर की तरह थी शगुफ्त ओवर हैरत अंगेज शगुफ्त ओवर तरीन हैरत हर दर्जा हैरत अंगेज
पुशूतरीन हंगामा खेज व दिलावीज तरीन शेर हा और बेहद दिलकश। जिंदगी सुस्त व खश सोले उनकी 68 साल जिंदगी एक सरासर एक बेहद हैरत अंगेज शगुफ्त आवर तरीन बेहद हैरत अंगेज पुरशूर तरीन हंगामा खेज व दिल आवीज तरीन शेर है और बेहद दिलकश शेर की तरह थी। ये जरा मुश्किल लेसन है इसीलिए मैंने इसको हाफ हाफ करके पढ़ा। इसको प्लीज बच्चों अच्छी तरह से पढ़ लें और अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में आपने पिछले साल भी पढ़ा हुआ है उर्दू में उनके बारे में, जब आपने मूसा और शबान पढ़ी थी। और आज ये एक ऑथर जो है डॉक्टर अब्दुल हुसैन जरीन, ये उनका लिखा हुआ मजमून मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में है, ये आपका फारसी में, जिसका मैंने आपको तर्जमा करवा दिया है।